गाइस आज मम्मी ने बनाया है डोसा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सर्दी चालू हो चुकी हैं, दिसंबर चल रहा है। ये देखो मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ, सुबह सुबह सर्दी में ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। एक सेकंड देखो दिखा दूँ, खाली पड़ा है पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी ग्राउंड। इधर से देखो रोशनी कितनी बढ़िया आ रही है सूरज की, एंड आज कोहरा कम है। जबकि सुबह के बज रहे हैं 7, मैं 6:30 बजे उठ जाता हूँ रोज़ और 7 बजे तक यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। एंड वही अपना डेली रूटीन, मंदिर तक जा रहा हूँ वॉक करते करते, एंड फिर वापस जाएंगे और देखते हैं क्या बना आज गर्मा गर्म नाश्ते में। सो गाइस आज मम्मी ने बनाया है डोसा। हे गाइस, हाउ आर यू ऑल टुडे, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिव्याशी व्लॉग। मैंने ये कैमरा बहुत टाइम बाद इसलिए पकड़ा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, भाई की शादी थी और सिस्टर इन लॉ की शादी थी, इसलिए मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ शूट करूं। इन्होंने एक दो वीडियोस डाली हैं पर मैंने कुछ नहीं डाला था, बस अब स्टार्ट किया है फिर से आपको एंटरटेन करने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आज क्या है। आज है 31st नाइट न्यू ईयर की, और ये देखो एक डेकोरेट कर रहे हैं हॉल। ये सारी मेहनत इनकी है, प्राची और नैना की। ये देखो कितना प्यारा डेकोरेट किया है, और ये देखो अभी हमारी पार्टी स्टार्ट होने वाली है, अभी डेकोरेशन चल रहा है, फिर थोड़ा डांस करेंगे और खाएंगे पिएंगे। गाइस हम लोग घर में सेलिब्रेट कर लें इसलिए हमने घर के कपड़े पहने हैं, हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कहीं घूमने जाएंगे, अभी इस बार नहीं गए हैं क्योंकि शादियां वगैरह इतनी थी कि इस बार कोई प्लान ही नहीं बना जाने का कहीं पे, तो हम घर में सेलिब्रेट करेंगे। सो गाइस हम गर्ल्स गैंग की पार्टी होगी यहाँ पे, इनकी पार्टी हो रही है कहीं और, ये गए हैं बाहर सेलिब्रेट करने। तो हम लोग ही हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, प्राची नैना और टीनू भी आ रही हैं, और इधर मम्मी मक्के की रोटी विद सरसों का साग बना रही हैं। मम्मी हमने सेकना स्टार्ट कर दिया गाइस, ये देखो मम्मी मक्के की रोटी बना रही हैं। तो हमारी पार्टी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने पे है, हमारे गेस्ट आ गए हैं, ये देखो। हेलो हेलो, हाय मिन्नाज। सो हमारे ये पार्टी का स्टाफ लग चुका है, रेडी हो गया है खाना पीने का, और ये चल गया है हमारा म्यूजिक, हमारा म्यूजिक, और ये लोग ये रहे पार्टी के लिए, और ये रहा हमारा डेकोरेशन। से हाय, हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फिर ये खाना ठंडा हो जाएगा, और फिर अगर ठंडा हो गया तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा, तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए। और ये देखो मम्मी अपनी पार्टी इधर कर रही है, मम्मी कह रही है यार मुझे दे दो पहले। तो अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी पार्टी शुरू कर रहे हैं, और अभी डांस भी करेंगे तो थोड़ा बहुत वो भी दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे व्लॉग्स के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दिव्याशी व्लॉग्स। और जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ मेरे कभी बाल कड़े हुए ही नहीं मिलते। तो आज है नया साल और सभी लोगों ने नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो आज हम लोग दोनों के बाल ऐसे ही रहते हैं। तो आज हम न्यू ईयर पे क्या कर रहे हैं, हमारा प्लान है पहले मंदिर जाने का और फिर हम जाएंगे मूवी के लिए। फिर हम जा रहे हैं मूवी देख रहे हैं, मंदिर का जा रहे हैं यार, कुछ ही बोल रही हूँ।
क्रैक जैक गाइस पागल है। हम लोग मंदिर जाएंगे मूवी देखने बाद शाम को। दरअसल हम मंदिर जाने वाले थे लेकिन मंदिर के लिए हम हो गए लेट, तो हम जा रहे हैं सीधे हम मूवी देखने। मूवी कौन सी देखने जा रहे हैं हम? शाहरुख खान की डंकी मूवी। ढहचू ढहचू वाला डंकी नहीं है, कुछ और ही मीनिंग होगा इसका, वो हम बाद में बताएंगे कि क्या मीनिंग है। तो हम दोनों ही नहीं जा रहे हैं, मम्मी अकेले घर में बोर होती तो हमने सोचा चलो मम्मी को भी ले चलते, तो मम्मी भी जा रही है हमारे साथ मूवी देखने। तो हम तीनों बच्चा पार्टी जा रहे हैं मूवी देखने। तीनों बच्चा पार्टी मम्मी को भी बच्चा बना दिया, तो हम दोनों प्लस मदर, हर मदर इन लो, हम तीनों जा रहे हैं मूवी देखने। तो चलो हम आपको दिखाते हैं डंकी का ट्रेलर हमारे फ़ोन के थ्रू, क्योंकि ज़्यादा शूट करूँगा तो कॉपीराइट आ जाएगा ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा दिखाएंगे और आज हम डे अपना कैसा स्पेंड करेंगे वो भी हम दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर दिव्याशी व्लॉग्स। हम लोग रेडी हो चुके हैं मूवी के लिए और ऑन टाइम हम पहली बार जा रहे हैं मूवी के लिए, वरना हम हमेशा लेट हुए हैं मूवी के लिए। तो प्रीवियस जा रहे हैं बेसिकली, जो हमारे घर के बहुत पास पड़ता है, थोड़ी सी दूर ही है बाकी है। हम लोग देखने जा रहे हैं डंकी, जैसे कि इन्होंने बताया डंकी मूवी शाहरुख खान की। दिखाते हैं आपको रास्ता। हम लोग आ गए हैं पीवीएस मॉल, वो लग रही है लाइन, बट हम लोगों ने तो ऑलरेडी बुक किया हुआ है टिकट, तो हमें लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। हम एंटर करेंगे ऐसी। ओके मूवी हो गई है खत्म। अब ये बच्चा पार्टी जो है आई है बर्गर खाने। गाइस हम डोसा खा चुके हैं ऑलरेडी, शूट नहीं किया। शूट क्यों नहीं करा तुमने? मैं भूल गई शूट करना गाइस। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपनी मूवी एंजॉय करके, लंच एंजॉय करके। चुक गया था हमने मैकडी पे और डोसे का एक प्लेस था, उस प्लेस का मुझे नेम याद नहीं है, क्या नाम था उसका? उदुपी डोसा। उदुपी डोसा। तो अब हम जा रहे हैं घर पे, करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, ये हो गया हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट। तो गाइस बेसिकली बहुत अच्छा न्यू ईयर सेलिब्रेट हुआ है, रात को हमने किया था घर पे, मैंने वो रिकॉर्ड किया है आपने देखा होगा। और अब ये नेक्स्ट डे एक तारीख की है ये फुटेज जो है, और ये देखो मेरे सामने जा रही है थार, वन ऑफ माई फेवरेट। तो आपको मूवी कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी, बाकी तुम लोग बता नहीं। मम्मी कैसी लगी मूवी आपको? बढ़िया लगी। गाइस मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी थी, आप लोग जा सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इमोशंस भी है, कॉमेडी भी है, सब कुछ है। शाहरुख खान की मूवी ऑफ कोर्स अच्छी वो है, इमोशन ज्यादा है। एक पॉइंट पे तो इतना ज्यादा इमोशन है कि मेरे भी आंसू आ गए थे। विक्की कौशल नहीं, डोंट रिवील द ट्रुथ, मूवी खराब हो जाएगी ना। तो गाइस आप लोग जाइए एंजॉय करिए मूवी अपनी फैमिली के साथ जाइए। तो दोस्तों हम आ गए मूवी देख के, और मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सी थी, क्योंकि मैं भी एक साल US रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं भी लिंक कर सकता हूँ उस मूवी को। डंकी मार के नहीं गया था मैं, तो प्रॉपर प्रोसीजर से गया था। बट स्टिल मूवी देखते देखते देखो आंखें सूज गई हैं मेरी रोते रोते, मजाक कर रहा हूँ। तो
आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और आई होप सभी लोगों का नया साल अच्छा जाए, तरक्की करो सब लोग नए साल पे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।